हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NIOS के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहले भी जो है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस से रिलेटेड जो हम तीन वीडियो डाल चुके हैं, देखिए अब ये है पार्ट फोर, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है TLM का विस्तार है, मीन्स TLM की फुल फॉर्म पूछी है इन्होंने। टोटल लिस्टनिंग मैटर, टोटल लर्निंग मैटर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर टीचिंग लर्निंग मॉड्यूल। तो TLM का की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ऑप्शन सी जो होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक शाला की कक्ष की सुंदरता क्या होती है? रंग बिरंगी दीवारें, रंगीन चार्ट, खेलते और चहकते बच्चे, अन्य आकर्षक सामग्री। तो इसने उन्हें पूछा है प्राथमिक शाला की क्या होती है सुंदरता? खेलते और चहकते बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट है भाषा सिखाने में कार्ड का क्या एक उद्देश्य क्या है? पढ़ना सीखने के डिकोडिंग के हिस्से पर बच्चों की मदद करना, चित्र देखना, चित्र बनाना, वर्ण लिखना। इसका जो आंसर होगा वो होगा पढ़ना सीखने के डिकोडिंग के हिस्से पर बच्चों की मदद करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी एक मौखिक सामग्री नहीं है? ठीक है, मौखिक सामग्री पूछा इसने जो नहीं है। रेडियो, सीडी प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्टर या पाठ्य पुस्तक। तो मौखिक सामग्री कौन सी नहीं है? पाठ्य पुस्तक नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इस पे जो है लिखा भी जा सकता है, ये लिखित उसमें भी आ जाती है ये। ठीक है, तो ये मौखिक सामग्री नहीं है। रेडियो, सीडी प्लेयर, फिल्म प्रोजेक्टर, ये क्या है? मौखिक सामग्री है। सामग्री का इस्तेमाल करते समय कौन सी एक बात संभव नहीं है? सामग्री में टूट फूट हो जाए, खर्च हो जाएगी, धीरे धीरे उसमें अक्षहार होगा, पहले जैसी रहेगी। ठीक है, कौन सी बात संभव नहीं है? अगर हम किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो टूट फूट सकती है, खर्च हो सकती है, धीरे धीरे वो ख़त्म हो सकती है, पहले जैसी तो नहीं रहेगी। अगर किसी चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही, वो पहले जैसी नहीं रहेगी। तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है कौन सी एक लिखित सामग्री है? रेडियो, वर्कबुक, सीडी प्लेयर या फिल्म प्रोजेक्टर। इसने पूछा लिखित सामग्री मीन्स जिस पे हम लिख सकते हो, रेडियो पे नहीं लिख सकते, सीडी प्लेयर पे नहीं, फिल्म प्रोजेक्टर पे नहीं। वर्कबुक की जो होती है वो लिखित सामग्री होती है। ठीक है, नेक्स्ट है बोलने से जबान नहीं कटती है लेकिन लिख देने से हाथ कट जाते हैं, किसने कहा है? प्रेमचंद, रविंद्रनाथ, जयशंकर प्रसाद या महादेवी। ये शब्द किसने कहे हैं? ये शब्द कहे हैं प्रेमचंद ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखना केवल एक प्रकार का माध्यम है जो नई भाषा को प्रस्तुत करता है, उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है, लिखना सिखाता है, पढ़ना सिखाता है। ठीक है, तो लिखना एक ऐसा माध्यम है जो उसी भाषा को नए रूप में प्रस्तुत करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीखने की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है? चित्र को पूरा करने के लिए टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पहले संपूर्ण आकार लेकर फिर विशिष्ट चीज़ें स्पष्ट करना, याद करके पढ़ना या फिर चित्र बनाकर सीखना। तो सीखने की प्रक्रिया कैसे संपूर्ण होती है? पहले संपूर्ण आकार लेकर फिर विशिष्ट चीज़ें स्पष्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। डिसलेक्सिया से पीड़ित व्यक्ति सदैव चित्र को पूर्ण रूप में देखता है, चित्र नहीं देख पाता है, चित्र की रचना करने वाले हिस्सों की श्रृंखला या अनुक्रम में देखता है, चित्र नहीं बना सकता। जो डिसलेक्सिया से पीड़ित होता है व्यक्ति, वो सदैव जो है चित्र को पूर्ण रूप में देखता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा संबंधी चार कौशलों में सबसे मुश्किल है, देखिए ऑप्शन है लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। जो इस शिक्षा संबंधी जो चार कौशल है उनमें जो सबसे डिफिकल्ट है वो है लिखना। ओके, नेक्स्ट देखिए। लिखने का उद्देश्य क्या है? बोलकर लिखना, अभिव्यक्ति,
सही लिखना या अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति और संप्रेषण। जो लिखने का उद्देश्य होता है वो होता है अर्थपूर्ण अभिव्यक्ति और संप्रेषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को लिखना सीखते वक्त अध्यापक को क्या करना चाहिए? रटकर लिखने वाले विषय देने चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। वर्णमाला लिखने के लिए देना चाहिए? ये भी नहीं। स्वयं के विचार लिखने का मौका देना चाहिए? बिल्कुल ठीक। एक ही अक्षर को असंख्या बार लिखने के लिए देना चाहिए? नहीं, इसका कोई फायदा ही नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना चाहिए बच्चों को लिखना सिखाते वक्त? स्वयं के विचार लिखने का मौका देना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, निबंध मूलतः दो प्रकार की होती हैं। पहला विचारात्मक और दूसरा ऑप्शन है भावात्मक, मनोरंजन, अभिव्यक्ति और संप्रेषण। दो प्रकार के होते हैं निबंध, एक विचारात्मक होता है और दूसरा भावात्मक होता है। ठीक है, छोटी कक्षाओं में बच्चे किस तरह की कविताओं को जानते हैं? कठिन शब्दों वाली कविता, सोचने वाली कविता, गायन वाले शब्दों वाली कविता या फिर छोटी कविता। जब छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटी कक्षाओं में बच्चे होते हैं, वो गाने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो गायने वाले शब्दों वाली कविता को जो है वो इजीली याद कर पाते हैं। ठीक है, और जो गायन वाली कविता ही होती है उन्हें वही सुनना ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनुष्य ने भाषा बोलना लगभग 1,000,000 वर्ष पहले प्रारंभ कर दिया था, जबकि भाषा को लिखना लगभग कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ है? 5,000 वर्ष, 1,000,000 वर्ष, 1,000 वर्ष या 225 वर्ष? ठीक है, तो भाषा को लिखना जो है लगभग प्रारंभ हुआ है 5,000 वर्ष पहले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ना एक कार्य है, सृजनात्मक, मुश्किल, आसान, महत्वपूर्ण। पढ़ना कैसा कार्य है? सृजनात्मक। ओके, नेक्स्ट है, पढ़ने में महत्वपूर्ण है लिखे हुए का अर्थ ग्रहण करना, सारे शब्दों को पढ़ना, धारा प्रवाह पढ़ना, विराम चिन्हों का ध्यान रखना। ठीक है, पढ़ने में क्या महत्वपूर्ण है? जो लिखा हुआ है उसका अर्थ भी जो है समझ में आए, मीन्स लिखे हुए का अर्थ ग्रहण करना भी जरूरी है, तभी पढ़ना जो है महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, पढ़ना जीवन के विभिन्न पहलुओं और इसके बदलते रंगों को समझना है, ये किसने कहा है? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रेमचंद या रामचंद्र? ऐसा किसने कहा था? किसके शब्द हैं ये? ये हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, बच्चों में पढ़ने की रुचि का विकास कैसे किया जा सकता है? पाठ्य पुस्तकों द्वारा, वर्णमाला के अक्षर को रटवाकर, पढ़ना सिखाने की रोचक प्रक्रियाओं द्वारा, कहानी रटवाकर। तो पढ़ने की रुचि का विकास कैसे हो सकते हैं? पढ़ना सिखाने की रोचक प्रक्रियाओं द्वारा। ओके, बच्चे पढ़ना सीखते हैं पढ़कर ही, नियम रटकर, बिना पढ़े बिना कुछ किए। तो बच्चे कब पढ़ना सीखते हैं? पढ़कर ही बच्चे पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, गुडमैन ने पढ़ने को कहा है मनोभाषाई अटकलों का खेल, एक खेल, क्रिकेट या मनोरंजन। गुडमैन ने जो है पढ़ने को कहा है मनोभाषाई अटकलों का खेल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, पढ़ना सीखने की प्रक्रिया का अनिवार्य और स्वाभाविक चरण है। जब हम पढ़ना सीखते हैं तो उनमें जो सबसे अनिवार्य और स्वाभाविक चीज़ होती है वो कौन सी होती है, ये पूछा इसने, कि पढ़ने के दौरान की गई गलतियाँ ना करना, अक्षरों को रटना, शब्द को रटना। जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा क्या होती है हमसे पढ़ने के दौरान? गलतियाँ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है, जब हम कक्षा में बच्चों को एक समृद्ध लिखित वातावरण उपलब्ध कराते हैं तो दरअसल हम एक निर्माण करते हैं उत्साहपूर्ण कक्षा का, एक कक्षा, एक समाज, एक देश का। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्साहपूर्ण कक्षा का। नेक्स्ट है, बच्चे पढ़ना तभी सीखेंगे जब पढ़ना उनके लिए होगा वाक्य बनाना, कठिन, याद करना या मज़ेदार। बच्चे तभी सीखेंगे जब जो है पढ़ाई जो होगी उन्हें मज़ेदार लगेगी। ओके, तो ऑप्शन डी जो होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट है, पढ़ना सिखाने की शुरुआत करना ज़्यादा ठीक है फ्लैश किट से, चार्ट से, लकड़ी के अक्षरों जैसी सामग्री से
या फिर किताबों से, ये गलती से लिखा गया है, यहाँ यहाँ पे आएगा किताबों से। तो इसका जो आंसर होगा वो भी होगा किताबों से, पढ़ना सिखाने की शुरुआत करना ज़्यादा ठीक है किताबों से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर भाषा वैज्ञानिक को निम्न दो में से किन दो का योग भर मानते हैं? शब्द व वाक्य, ध्वनि व वाक्य, शब्दकोश व व्याकरण, ध्वनि व व्याकरण। ठीक है, तो इसका आंसर है शब्दकोश व व्याकरण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। आम लोग भाषा को केवल मानते हैं व्याकरण, ध्वनि, शब्द व वाक्य, बातचीत का माध्यम। ठीक है, तो आम लोग जो है भाषा को केवल बातचीत का माध्यम मानते हैं। नेक्स्ट है, हिंदी में संख्या के रूप कितने होते हैं? 5, 3, 2 या 6। हिंदी में जो है संख्या के रूप होते हैं 5। ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया, फिर द्रव्यवाचक, जातिवाचक, तो ऐसे जो होते हैं 5 रूप होते हैं हिंदी में संज्ञा के। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। हर 15 से 20 के साथ किलोमीटर की दूरी पर रहने वाले समूह की भाषाओं में अंतर अधिकतम किस स्तर पर होता है? वाक्य के स्तर पर, शब्द के स्तर पर, ध्वनि के स्तर पर, संवाद के स्तर पर। जो फर्क आता है भाषाओं में वो बोलने में होता है, ध्वनि के स्तर पर होता है ये फर्क। ठीक है, ये थे 30 क्वेश्चंस PRT के सेकंड पेपर के लिए। इसके अलावा जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे वो किसी बच्चे ने कहा था कि फुल फॉर्म के लिए, तो हम जो है फुल फॉर्म के लिए ही लेके आएंगे एक स्पेशल वीडियो, जिसमें जो है सारी फुल फॉर्म्स ही होंगी, ताकि आपको जो है आपके एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।